सो चलिए छोड़िए गर्लफ्रेंड को, अब बहुत टाइम हो गया बात करते करते, आइए कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3.6 को सॉल्व करेंगे, पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है। तीन पार्ट बना दिए इससे पहले हमने, कहाँ तक क्लियर कर दिया है, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से बात करेंगे, ठीक है। 7 और 8 को हल करने की कोशिश करेंगे, पूरा हल हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। और यदि आप पूरे सिलेबस का वीडियो देखना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए इससे क्वेश्चन पूछता जरूर है प्रश्नावली से, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए जब आप, यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 3 और 4 नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चौथा पार्ट तो होने वाला है, 3 तक डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए जब जो हमने सारे क्वेश्चन हल करे हैं पहले की तरह, इसको भी ऐसे हल करेंगे। यहाँ पे गुणा में 1 होगा, तो आपको मानना पड़ेगा माना 1/x + y। अब पूरा मानना पड़ेगा ना, पहले रैखिक समीकरण में बदलना तभी तो करेंगे इसको हल। तो माना 1/x + y = p है ना, और 1/ दोनों में x - y है, दोनों में x + y है, तो x - y को मान लीजिए q। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये वाला tan तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 1/x + y के स्थान पर क्या आएगा, p, तो p पुट कर देंगे। फिर प्लस ये 2 ऐसे आ जाएगा, गुणा में 1 होगा, तो 1/x - y के स्थान पर क्या आएगा, q, तो 2q हो जाएगा = 4। क्लियर है, ऐसे यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे इसको हल कर लेते हैं, 15 हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ पे 1 होगा, 1/x + y के स्थान पर क्या आएगा, p, तो p पुट कर लेते हैं। -5 ऐसे रहेगा, गुणा में 1 होगा, 1/x - y के स्थान पर क्या आएगा, q, और = -2 है। इसको मान लीजिए समीकरण 4। यदि आप विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि दोनों सेम होने चाहिए, तो p वाला सेम हो या फिर q वाला सेम हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे गुणा कर दीजिए कितने से, देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए आप 5 से, तो 5 × 2 = 10 q हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 से, तो 2×5 = 10, ये भी 10 q हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, देखिए एक लाइन लिख के भी दिखा देते हैं आपको, लिख लेना है कि समीकरण 3 को 5 से और समीकरण 4 को 2 से गुणा करके विलोपन विधि से हल करने पर, ऐसे लिख लीजिएगा लाइन। तो 15 × 2 देखिए यहाँ पे, सॉरी 5 × 2 = 50 पी हो जाएगा, 5 × 2 = 50 p, और प्लस 5 × 2 = 10 q = 5×20। क्लियर है, यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करनी है, तो 2 × 15 = 30 पी, और -10 q हो जाएगा = -4 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दिया हमने पूरी समीकरण में, हल कर दीजिए, तो ये देखिए अब चिन्ह बदलने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि पहले से चिन्ह डिफरेंट है, तो दोनों ही आपस में कट जाएंगे, 80 p हो जाएगा, 80 p ये कितना है, प्लस का 20 है, माइनस का 4 है, कितना बचेगा, 16। क्लियर है ना, तो पी ऐसी रहेगा = 16, ये 80 गुणा में जाएगा, तो अपॉन में, ठीक है, तो 16 × 16 और 16×5 = 80, तो पी का मान कितना आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये कितना आसान है, कोई कठिन थोड़ी नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है सवाल ये। अब इस पी को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, चाहे समीकरण 3 में या फिर समीकरण 4 में, हम समीकरण 3 में पुट कर लेते हैं, ये है समीकरण 3, तो आप लिख लीजिएगा पी का मान समीकरण 3 में रखने पर, हिंदी लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो tan ऐसे रहेगा, ये देखिए p के स्थान पर क्या आएगा, 1/5 जो हमने निकाला है मान, पुट कर लेते हैं 1/5 + 2 q ऐसे रहेगा = 4, इसमें रखा है मान 2 q ऐसे रहा, 4 ऐसे रहा, tan ऐसे रहा, p के स्थान पर 1/5 रख दिया जो हमारा मान निकला था p का, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, तो 2 की गुणा 1 से होगी 2 आ जाएगा, = 2 q, तो पहले से ही है = 4, अभी उधर चला जाएगा, तो 2 q, सॉरी ये प्लस है बीच में, ठीक है, उधर चला जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। अब 2 q में से अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, तो q का मान कितना आ जाएगा, 2/2, और इससे कटेगा 1, तो q का मान आ जाएगा 1। अब इन दोनों मानों को नए पेज में लिख लेते हैं, और शुरू में देख लीजिए आपने माना क्या था, आपने माना था 1/x + y = p और 1/x - y = q, तो अब ये वैल्यू हम वहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए आपने क्या माना था, इसके स्थान पर पुट किया था आपने 1/x + y p के स्थान पर, और बट = 1/5 है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये x + y 1 के साथ गुणा में चले जाएगा, और ये 5 इसके साथ गुणा में आ जाएगा, तो 5 × 1 5 इसके साथ गुणा में आएगा, क्योंकि इधर बट्टे में है, ये 1 ऐसे रहेगा, और ये इधर बट्टे में है, तो ये इधर गुणा में चले जाएगा, यानी कि x + y। क्लियर है ना, और अब इसकी गुणा इससे होगी, 5 × 5 = इस x + y की गुणा इसके साथ होगी, 1 के साथ, 1 की गुणा किसी के साथ भी होगी वही आ जाता है, x + y
इसको थोड़ा पलट के लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, देखिए अब ये बहुत आसान समीकरण बन चुकी है। तीन और चार मान लिया था तो इसको मान लीजिए, देखिए यहाँ पे तीन और चार आपने मान लिया था ना, इसको तीन और चार मान लिया था, तीन चार तो पाँच छः मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण पाँच, क्लियर है। उसके बाद क्यू के स्थान पर आपने क्या रखा था, वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन है, क्लियर है। अब ये उधर चला जाएगा वन के साथ गुणा में, ठीक है, तो ये वाला वन तो ऐसे ही रहेगा इन टू, ये वाला वन भी ऐसे रहेगा इन टू, ये उधर चला जाएगा एक्स माइनस वाई। अब फिर से इसके साथ गुणा होगी, वही आ जाएगा वन बराबर एक्स माइनस वाई, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। समीकरण मान लीजिए छः, ठीक है, ये मत सोचिए कितनी समीकरण बननी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए आप इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण पाँच बे छः को विलोपन विधि से हल करने पर, तो हल करते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव पर समीकरण पाँच, समीकरण छः क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, यही तो है। तो यहाँ पर अब देखिए दोनों के चिन्ह डिफरेंट हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर लिख लीजिएगा इधर, इस वाई से ये वाई कैंसिल, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो टू एक्स हो जाएगा, ये भी दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे सिक्स हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, इससे ये कटा थ्री आ गया। तो देखिए यहाँ पे निकला हमारा एक्स का मान जाके, ठीक है, ऐसे सॉल्व करनी है हमें, एक्स वाई के मान को निकालने पड़ेंगे। अब इस एक्स वाई के मान को आप इस एक्स के मान को कहीं भी पुट कर दीजिए, हम यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए तो आप लिख लीजिएगा एक्स का मान समीकरण चार में रखने पर, ठीक है, सॉरी छः में रखने पर, तो क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, इस वाला थ्री को यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स के स्थान पर, देखिए ये थ्री जो है तो थ्री हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू वन, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस वन, ये वन ऐसे रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का तीन हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान कितना बचेगा टू। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, बाकी जो तीन क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो देखिए वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, माना यार पेन पता नहीं कैसे हैं, माना वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी मान लीजिए, और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू आपको मानना ही पड़ेगा, तभी आपको ये हल हो पाएगा, ठीक है, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। उसके बाद पुट कर लेते हैं, देखिए इसके गुणा में एक तो हो गई है ना, तो एक एकम एक, अब इस पूरे के स्थान पर आप रखेंगे वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई के स्थान पर पी, तो वो तो सीधा नॉर्मल पी हो जाएगा, और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई के स्थान पर क्यू रखेंगे तो प्लस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, तो ये हो गया रैखिक समीकरण के रूप में बदल गया है। इसको मान लेंगे हम समीकरण कितना एक, इसको एक दो मान सकते हैं, इसको तीन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके साथ गुणा में एक तो हो गई, तो ये वन अपॉन टू हमारा ऐसे रहेगा, कितना वन अपॉन टू, और ये वाला जो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई है इसके स्थान पर रखेंगे हम पी, तो वन अपॉन टू पी हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, ऐसे इसके साथ भी गुणा में एक होगा, एक ही कम एक तभी तो आया होगा, फिर वन अपॉन टू ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है, ये वाला वन अपॉन टू, और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई के स्थान पर कितना रहेगा क्यू इज इक्वल टू कितना है माइनस का वन अपॉन एट, ठीक है। तो अब इसको मान लेंगे समीकरण दो, अगर हम दोनों को विलोपन विधि से हल करना चाहेंगे तो या तो पी वाले पद सेम होने चाहिए या फिर क्यू वाले पद, जो कि कोई से भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे काम कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, आप कितने से दो से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे दो से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दो की गुणा पहले इसके साथ होगी तो टू इंटू वन अपॉन टू पी है ना, माइनस एच ऐसी आ जाएगा ये वाला, फिर टू इंटू ये आ जाएगा वन अपॉन टू क्यू, ठीक है। अब एंड में इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, यानी कि टू इंटू माइनस वन अपॉन एट, क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए इस दो से ये दो कट जाएगा, पी की गुणा एक के साथ होगी पी आ जाएगा, फिर इस दो से ये दो कट जाएगा, क्यू की गुणा एक के साथ होगी तो क्यू आ जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ये वाला। उसके बाद इससे कट जाएगा दो चौक आठ, माइनस सात में है तो माइनस वन अपॉन फोर बचा, क्लियर है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास हो चुका है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण दो में दो से गुणा करने पर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण दो हो गई, अब आप दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे समीकरण एक वे दो को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण एक क्या है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, और समीकरण दो क्या है ये है पी माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर, क्लियर है। अब देखिए दोनों डिफरेंट हैं तो चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है,
टू पी हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब चिन्ह चेंज नहीं करते तो लिखना पड़ता है जोड़ने पर, और जब चिन्ह चेंज करते हैं तो घटाने पर लिखना पड़ता है, पता होगा। अब क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, मतलब 3/4 में से माइनस करना है आपको 1/4। हर सेम है तो एक बार आ जाते हैं, पता होगा 3 - 1, तो 3 में से 1 गए, 2 बचेंगे और 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। आपको हल करना आता ही होगा, उम्मीद करते हैं कि अगर ये भी नहीं आता तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो 1/2 अगर नहीं आता ये भी तो हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अब ये दो इधर गुणा में, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो पी इज इक्वल टू 1/2, जब गुणा में इधर को, जब इधर बटे में आएगा तो 2 के साथ गुणा में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो पी का मान 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इस पी के मान को आप चाहे समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, चाहे समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, तो आप लिख लीजिएगा पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है, हम चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो समीकरण 2 क्या है, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, इस पी के स्थान पर ये वाला 1/4 पुट कर लीजिए, तो 1/4 इस पी के स्थान पर ये वाला आ गया, माइनस क्यू है इज इक्वल टू 1/4। अब ये उधर चला जाएगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, ये पहले से माइनस, देखिए पहले से माइनस 1/4 है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नए पेज में लिख के, सो देखिए लिख लिया है, इसको तो सॉल्व करना आपको जानते ही होंगे, तो माइनस क्यू, सॉरी कुछ छूट गया शायद हमारा लग रहा है, नहीं छूटा कुछ भी, ठीक है, तो माइनस क्यू। अब देखिए इसको तो आपको सॉल्व करने जानते ही होंगे, हर सेम होता तो एक बार आ जाता है, और जो ऊपर संख्या वैसे ही आ जाती है, -1 - 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस माइनस प्लस और -2 हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो 4/2 का कितना है 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। उसके बाद कितना बचेगा, माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/2, इस माइनस ये माइनस कैंसिल, क्यू का मान कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और पी का मान कितना था, पी का मान था हमारे पास 1/4। यदि आप जानते होंगे तो आपने भी शुरू में माना था क्यू इज इक्वल टू 1/3x - y और पी इज इक्वल टू 1/3x + y, क्वेश्चन के शुरुआत में देख लीजिएगा। तो इस क्यू के स्थान पर आपने क्या माना था, 1/3x - y, पीछे देखिएगा, और ये कितना है, 1/2 इसके बराबर में है। अब ये 2 इधर गुणा में चले जाएगा, 1 के साथ गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये 3x - 1 जो है, वाई जो है वो इसके साथ गुणा में जाएगा, तो 3x - y जब इस वाले 1 के साथ गुणा होगा तो वही आ जाएगा 3x - y। अब इसको थोड़ा पलट के लिख लीजिएगा, 3x - y इज इक्वल टू 2। तो आपने कौन सी समीकरण तक मान लिया था, हमने मान लिया था समीकरण 1 एंड 2 तक मान लिया था हमने शायद, जी तो 1 एंड 2 तक मान लिया था, तो आप इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, उसके बाद देखिए p बराबर क्या माना था आपने, p बराबर माना था 1/3x + y, पीछे देख लीजिएगा जरूर, इज इक्वल टू 1/4 है। अब ये इस 1 के साथ गुणा में जाएगा तो गुणा हो जाएगा 4 एकम 4, और ये जो 3x + y है वो इस वाले 1 के साथ गुणा में जाएगा तो यही आ जाएगा 3x + y। उसके बाद 3x + y इज इक्वल टू 4 पलट के लिख लीजिएगा, समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए y वाले पद सेम है तो कुछ भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लिख लीजिए, दोनों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं, लिख लीजिएगा समीकरण 3/4 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो कर लेते हैं 3x + y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये आ गया, और ये आ जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 2, कर दीजिए सॉल्व, इससे ये कट जाएगा, दोनों प्लस माइनस के हैं, 3 दूनी 6, दोनों 6 हो जाएंगे जोड़ने के बाद, इज इक्वल टू ये भी 6 हो जाएगा दोनों, ठीक है, प्लस प्लस का, तो 6 इज इक्वल टू बटे में 6 आ जाएगा, इससे ये कटा 1, तो एक्स का मान 1। अब इस एक्स इसके मान को कहीं भी पुट कर दीजिए, चाहे आप समीकरण 3 में रखिए, चाहे समीकरण 4 में रखिए, ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे एक्स का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये है 3x - y इज इक्वल टू 2, तो 3 × इस वाले एक्स के स्थान पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 - y इज इक्वल टू 2, 3 एकम 3 उधर चला जाएगा, तो माइनस वाई तो अपने स्थान पर रहेगा, ये वाला 2 भी इधर रहेगा, और ये 3 की गुणा 1 से होगी 3 आ जाएगा, और ये 3 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो -y इज इक्वल टू -1 बचेगा, अब इस माइनस ये -1 कैंसिल, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, गर्मी भी बहुत लग रही है अभी, देखिए देखने को मिलेगा आपको। सो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और टॉपिक हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके जो आगे क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ आपको अगले पार्ट में देख लीजिएगा, ठीक है, चैनल पर जाके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।